dear students, welcome back to this video. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home and having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover unit 2, language and literature, chapter number 7, wise expression, of class 4, subject GK. Wise expression means बुद्धिमान अभिव्यक्ति. तो एक्सप्रेशन ऐसा वर्ड है जहाँ कोई पर्सन स्पेशल सिचुएशन में इसका यूज करता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 7, वाइज एक्सप्रेशन. कार्तिक हैज लर्नड सम न्यू प्रोवर्ब्स, समटाइम्स कॉल्ड एज वाइज एक्सप्रेशन. प्रोवर्ब्स मीन्स कहावतें. तो कार्तिक ने कई नई कहावतें सीखी हैं. बट ही डज नॉट नो देयर मीनिंग्स, बट वो उसके मीनिंग्स जानता नहीं है. तो आपने भी कई कहावतें सुनी होगी, बोली होंगी, बट आपको कभी कभी उसके मीनिंग का पता नहीं लगता है. हेल्प कार्तिक टू मर्ज दिस प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स. तो इन कहावतों के उनके अर्थों से मिलाने के लिए हमें कार्तिक की हेल्प करनी है, मीन्स मैच करना है. तो आप देख सकते हैं कुछ कहावतें दी हुई हैं, उन्हें हमें मैच करना है, जस्ट लाइक दिस. फर्स्ट इज, वन शुड नॉट वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट अनप्लेजेंट थिंग दैट हैव ऑलरेडी हैपन्ड. मीन्स किसी को भी अप्रिय बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो पहले हो चुकी है. फर्स्ट आंसर इज ई, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. मीन्स गिरे दूध पर रोना मत. तो ये कहावतें यहाँ यूज कर सकते हैं. सेकेंड, वन शुड नॉट थिंक टू मच अबाउट रिजल्ट बिफोर द वर्क इज एक्चुअली डन. तो हमें कोई भी काम करने के पहले उसके परिणामों के बारे में, रिजल्ट के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. इस सेंटेंस का आंसर एफ है. सेकेंड सेंटेंस का प्रोवर्ब्स हम इस तरह से बता सकते हैं, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. इस फोड़ने से पहले मुर्गियों की गिनती ना करें. थर्ड, वी मस्ट वर्क हार्ड इफ़ वी वॉन्ट टू सक्सीड. अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें कठिन कार्य करने चाहिए. थर्ड आंसर इज ए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. मीन्स जो खुद की सहायता करता है, खुद की हेल्प करता है, उनकी हेल्प गॉड भी करते हैं, भगवान भी करते हैं. फोर्थ, वन शुड टेक आउट सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल एंड नॉट पोस्टपोन थिंग्स. यहाँ बताया है जितनी जल्दी हो सके समस्याओं का समाधान हमें निकालना चाहिए और उन चीज़ों को स्थगित नहीं करना चाहिए. आंसर इज सी, अ स्टिच इज टाइम सेव्स 9. मीन्स समय में एक सिलाई 9 बचाता है. नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हेन वी डू थिंग्स इन अ हरी वी एंड अप विद पुअर रिजल्ट. तो अगर हम कोई भी चीज़ की जल्दबाजी अगर हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा उल्टा आता है या काफ़ी पुअर आता है. आंसर इज डी, हैस्ट मेक वेस्ट. तो जल्दी का काम शैतान का होता है. नेक्स्ट सिक्स, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व मोर इजीली व्हेन पीपल वर्क टुगेदर. अगर कोई काम हम एक साथ मिलके अगर करते हैं तो उसमें हमें जल्दी हमेशा सॉल्व हो जाता है. आंसर इज बी, टू हैंड्स आर बेटर देन वन. इस एक से भले दो. अगेन रिपीट, वन शुड नॉट वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट अनप्लेजेंट थिंग दैट हैव ऑलरेडी हैपन्ड. आंसर इज डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. नेक्स्ट सेकेंड, वन शुड नॉट थिंक टू मच अबाउट रिजल्ट बिफोर द वर्क इज एक्चुअली डन. आंसर इज डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच. थर्ड, वी मस्ट वर्क हार्ड इफ वी वॉन्ट टू सक्सीड. आंसर इज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. फोर्थ, वन शुड टेक आउट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल एंड नॉट पोस्टपोन थिंग्स. आंसर इज सी, अ स्टिच इज टाइम सेव्स 9. फिफ्थ, व्हेन वी डू थिंग्स इन अ हरी वी एंड अप विद पुअर रिजल्ट. आंसर इज डी, हैस्ट मेक्स वेस्ट. सिक्स, प्रॉब्लम आर सॉल्व मोर इजीली व्हेन पीपल वर्क टुगेदर. आंसर इज बी, टू हैंड्स आर बेटर देन वन. नेक्स्ट, डू यू नो द राइटिंग ऑफ प्रोवर्ब इज कॉल्ड पैरोमोग्राफी एंड द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ प्रोवर्ब इज कॉल्ड प्रोवर्बायोलॉजी. इट मीन्स कहावतों के लेखन को पैरोमोग्राफी कहा जाता है और कहावतों के अध्ययन के क्षेत्र को कहावत कहा जाता है, प्रोवर्ब्स. अवर चैप्टर हियर इज कम्प्लीट. नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड, वाइज, WISE, वाइज मीन्स अ वे ऑफ डूइंग, मीन्स बुद्धिमान.
नेक्स्ट एक्सप्रेशंस EXPRESSIONS एक्सप्रेशन मीन्स अ वर्ड दैट पर्टिकुलर पीपल यूज इन पर्टिकुलर सिचुएशन मीन्स अभिव्यक्ति. थर्ड प्रोवर्ब PROVERBS प्रोवर्ब मीन्स अ कंडेंसेंस्ड बट मेमोरेबल सेइंग एम्बॉडिंग सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज टेकन एज ट्रू बाय मेनी पीपल मीन्स कहावत का खेल. नेक्स्ट पोस्टपोन POSTPONE पोस्टपोन मीन्स होल्ड बैक टू अ लेटर टाइम मीन्स टाल देना. सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन मीन्स द सक्सेसफुल एक्शन ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मीन्स उपाय. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.